दोस्तों आजकल के पेरेंट्स आखिर हमसे ये क्यों कहते हैं? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए ग्रैंड पेरेंट का एग्जांपल लेते हैं। हमारे लिए उन्होंने घर बनाया, लैंड परचेज किया, आपके और हमारे मम्मी पापा की शादियां की और बहुत जरूरत पड़ने पर ही लोन लिया। बट उनसे 10 गुना ज्यादा कमाने के बाद भी हमारी जनरेशन ये सब नहीं कर पाती। दरअसल इसका पहला रीजन है इन्फ्लेशन। आज 2023 में हम पिछले 50 ईयर्स के मुकाबले कम सेव कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि इन्फ्लेशन के चलते हमारी सेविंग्स इतनी कम है। दूसरा रीजन है डेट बर्डन। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल लायबिलिटीज तेजी से बढ़कर जीडीपी का 5.8% हो गई, जबकि पिछले साल ये रेशियो 3.8% था। और तीसरा रीजन है हमारी बढ़ती चॉइसेस, जो हमारी सेविंग्स को जीरो कर देती है। और इसे UPI जैसे डिजिटल पेमेंट ने और भी आसान बना दिया है, जिसमें हमें कई बार ये महसूस ही नहीं होता कि हम अपनी कितनी इंपॉर्टेंट वेल्थ को खर्च कर रहे हैं। नाउ करंट सिनेरियो में सेविंग्स नहीं होने की सिचुएशन में आप जब भी कुछ खरीदने का प्लान करते हैं तो आपका कैलकुलेटेड रिस्क आपको पॉवर्टी में जाने से बचा सकता है। दोस्तों आप किस मुद्दे पे राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।